अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह ईद उल फितर की नमाज़ हम लोग अदा करेंगे, और जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उस ग्राउंड की, तो आज माशाल्लाह वो ग्राउंड आपको फुल मिलेगा। ये दूर दूर तक माशाल्लाह आप नज़र घुमाएं तो आपको फुल ग्राउंड भरा हुआ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर की नमाज़ अदा कर ली हम लोगों ने, और माशाल्लाह मजमा अपने घर की तरफ रवा दवा है। और कुछ लोग जो है इस एंट्रेंस से जा रहे हैं, और कुछ लोग अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ईद उल फितर की नमाज़ अदा कर ली है, और ये नवीद भाई आपको भी ईद मुबारक, और क्या नाम है इसहाक भाई आपको भी ईद मुबारक हो, भाई करीम भाई ईद मुबारक यार आपको भी, खैर मुबारक भाई से जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, सोशल डिस्टेंस रखें। और माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और रमज़ान मुबारक का महीना जो होता है एक महीना होता ख़त्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, हम अपने फूफा से मिलते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बेटे, ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक। अच्छा अस्सलाम नवीद भाई, आपसे इंटरव्यू लेना था, आप कैसे फीलिंग है आज ईद उल फितर की नमाज़ आपने अदा की है माशाल्लाह, रमज़ान मुबारक का महीना भी माशाल्लाह ख़त्म हो चुका है, और खासतौर पर यार अल्लाह पाक उनको मुसलमान दुनिया में है ये तमाम की मगफ़िरत अता फरमाए, आमीन। पीछे देखें आप नज़र आ रहा होगा, ये ख़वातीनों ख़वातीन चली हैं हमारे हज़रात, ये पीछे सेल्फियाँ ली जा रही हैं, ये मेरे प्यारे हैं फूफा हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी उम्र हयात रखे, और माशाल्लाह ये ज़िंदगी में कामयाब रहें। अस्सलाम वालेकुम सजाद लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, और आप सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर मुबारक हो, और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।